वेलकम बैक ब्रदर, वेलकम बैक। ये ब्लैक कुर्ता ब्लू जींस। भाई साहब, चुका हूँ मैं वर्सोवा बीच पे। यहाँ लोग दरवाजे पे बिल्ली रखते हैं। ये है लच्छा पराठा। फिर पार्किंग में नहीं घुसाऊंगा भाई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज सेकंड डे है, मैं जिम जा रहा हूँ अभी। और आज एक खास बात ये है कि मैं पैदल जिम जा रहा हूँ। दिमाग में ऐसे ही थॉट आया मेरे कि जो मैं जिम जाता हूँ बाइक से जाता हूँ, रोज ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, 400 मीटर मैक्स है। तो अगर मैं पैदल जाऊँ तो मेरा वार्म अप भी हो जाएगा और साथ ही साथ फ्यूल भी सेव कर पाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ, बट पैदल जाना इज बेटर, मेरे को अच्छा लगा। तो इसलिए मैं आज पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। देखो कितनी ऊंचाई है, नीचे से ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस ऐसे ही फूल रहा है। जिम जाते जाते वार्म अप ऐसे ही हो जाएगा। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और देख रहे हो आप, धूप मेरे सर के बिल्कुल ऊपर है। अभी मैं जिम से घर जा रहा हूँ। रोज बादल होता था लेकिन आज धूप है और धूप की वजह से ना वो पानी वगैरह जो जमा है वो इवेपोरेट हो रहा है। वर्कआउट बहुत ही अच्छा रहा, मजेदार, जो कि रोज ही रहता है। और ये पैदल आने जाने वाला जो सिस्टम मैंने लगाया है ना, ये भी बहुत अच्छा है। केला ले लिया है, घर चल के प्रोटीन लेते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद आज मुझे कहीं बाहर भी जाना है, एक जगह पे, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे। और आज बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। मेरा एक दोस्त है वो भी आने वाला है, तो लेट्स सी क्या क्या होता है। सो अभी 4 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ। ये ब्लैक कुर्ता ब्लू जीन्स और साथ में कुछ भी नहीं है, और मैं निकल रहा हूँ 5 बजे। एक मेरी मीटिंग है, किसी से मिलना है जो बहुत खास हैं उनसे, तो लेट्स सी। यहाँ से जाने में 1 घंटे लगेंगे, 4 बज गए हैं, तो फटाफट रश करके निकलते हैं यहाँ से। तो गाइज, मैं तो निकल चुका हूँ घर से। आप देख सकते हैं बाहर कितनी तमतमाती हुई धूप है। आज पूरे दिन धूप रही है, इसलिए रोड भी देखो आप एकदम सूखी हुई है बिल्कुल। 4:15 हो चुका है और मुझे जहाँ पर पहुँचना है 41 मिनट टाइम दिखा रहा है यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए। एंड आई हैव जस्ट अ मीटिंग बाय 5 PM शार्प। देखते हैं, थोड़ी बहुत ट्रैफिक मिलेगी, साइड वाइड से निकल जाएंगे कटवट मार के, लेकिन वहाँ पे 5 मिनट पहले ही पहुँचना है, लेट नहीं करने का है। अगर आपको याद होगा, ये वाली रोड जो है ना, अभी बरसात के 1 महीने पहले बनी थी और मैंने प्रिडिक्ट भी किया था कि एक बरसात भी नहीं झेल पाएगी। एंड यू कैन सी द रिजल्ट कि इस वाले रोड की क्या हालत हो चुकी है। सब खड्डे खड्डे हो गए हैं। खड्डे में रोड है या रोड में खड्डा, पता नहीं। हर साल बरसात से पहले 1 महीने पहले ये बना करके और उसके बाद पूरे, वाह भाई वाह, ये है पैसा खाने का निंजा टेक्निक। और ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट मारने का कोशिश किया और बड़ा पूरी तरीके से, भाई साहब बचा ले भगवान। ये मेरे को बहुत कट करके सीधे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे मिलाता है ना, आधे में आके उधर की सारी ट्रैफिक छड़ जाती है। मगर ये तो ट्रैफिक से भी वर्स्ट है यार, अगर इसमें गिरा तो अच्छे अच्छे कपड़े के लंका लग जाएंगे। और इस गेट से बाहर निकल के गाइस देखिए, ये आ चुका हूँ मैं सीधे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट है, उधर से पीछे साइड से पूरा रास्ता कट जाता है और आप पहुँच गए सीधे यहाँ मेट्रो स्टेशन के पास। गो, अब मचाते हैं तबाही। अभी 4:30 हो रहे हैं और मैं रेड लाइट पर रुका हूँ। ये देखिए ट्रैफिक, आई हैव मोर 30 मिनट्स तो पहुँच जाएंगे। बहुत ज़्यादा चांस है कि अब यहाँ से बस राइट मारना है। तो गाइस, मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ वहाँ जहाँ मुझे आना था। ये वही रोड है, आप लोग देख के बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि ये कौन सी जगह है अगर आप लोग पहचानते हो तो। जिसके भी कमेंट सही आएंगे उसको मैं पिन करूंगा कमेंट सेक्शन में। आपको एक बार अच्छे से और दिखा देता हूँ, आप ये लेफ्ट देख लो, राइट देख लो, सीधे देख लो और बताओ ये जगह कौन सी है। सो गाइस, मीटिंग तो सक्सेसफुल रही, जिस काम के लिए आया था वो काम हो गया। अब यहाँ से निकल रहा हूँ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो घर वापस चला जाऊँ या यहाँ पे पास ही में समंदर है वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, सनसेट भी होने वाला है तो सनसेट देखूँ। तो मैं 2nd ऑप्शन को चूज़ कर रहा हूँ और चलते हैं यहाँ से सीधे समंदर के पास बैठेंगे। तो गाइस, ये आ चुका हूँ मैं वर्सोवा बीच पे और ये सूरज अभी अस्त होने वाला है, अस्त होने वाला है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे बैठ के बड़ा सुकून मिल रहा है। एक तो इतनी बारिश के बीच में आज जाकर के सूरज देखने को मिला है, वो भी पूरे दिन, तो दिस इज फैंटास्टिक डे। ये देखो, इस वाले जगह पे बैठा हूँ ना, ये डर लग रहा है अगर यहाँ से फोन नीचे गिर गया, बैग नीचे गिर गया तो निकालने में ना लंका लग जाएगा। गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्राइपॉड लगा करके सूरज भगवान का मुझे लगता है टाइम लैप्स ले रहा है ये बंदा। सूरज अब ऑलमोस्ट नीचे जा चुका है। बहुत दिन मैंने ट्राई किया था जब साइकिल चला के मैं इधर आता था कि कभी यहाँ पे बैठ करके सनसेट देख सकूँ, मगर ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाया, हमेशा मैं लेट हो जाता था। आज लकली यहाँ पे बैठ करके सनसेट देख रहा हूँ और देखा, बहुत मज़ा आया।
देखिए मैंने अभी लगा रखा है यहाँ पे टाइम लैप्स, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बड़े मज़ेदार सीन है यहाँ पे और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे। तो गाइज मीट माई फ्रेंड अभिषेक। हाय। अभी मस्त एकदम लालिमा छाई हुई है, एकदम बादल एकदम लाल हो रखे हैं, हमारे चेहरे पे आपको रिफ्लेक्शन पता चल रहा होगा। क्या भाई, अरे मजेदार लग रहा है, दिखाता हूँ। अरे है बैक कैमरा, कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए अभी कितना शानदार आसमान दिख रहा है। और एक चैनल वाले उसको भी थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। अरे यार अच्छा ठीक है, इसका चैनल का लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये भी कभी कभी कहीं कहीं जाके ब्लॉग कर लेता है ना ब्रो। ऑडिशन तो मैं डालते ही रहता हूँ, ऑडिशन तो डालता ही रहता है। वो एक डाला था ना, कौन सा? तो ले अब मैं भी संकल्प सुनाता हूँ। अरे मुझे याद नहीं है, मैं मुझे याद है लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है। याचना नहीं अब रन होगा, ऐसा जैसा कि जीना मरण होगा, वाड़ जो भी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम द पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। सब्सक्राइब कीजिए ना भाई। तो गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ अभी अभिषेक के रूम पे, वहाँ जा करके अपना फ़ोन चार्ज में लगाऊंगा क्योंकि मेरे फ़ोन में सिर्फ 3% बैटरी बचे हैं। और आज ही रात में फिर सुमित भाई भी आने वाले हैं तो मुझे एयरपोर्ट भी जाना है, उनका कॉल रिसीव करना है, तो इसके लिए मेरा बैटरी चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। अभिषेक के घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने बढ़ा दिया लेकिन उसके पैसे नहीं दिए मैंने, मेरा फोन फुल चार्ज हो चुका है। कोई ट्रीट दे देंगे। अबे फोन चार्ज करने का ट्रीट मांग रहा है मुझसे, बताइए कलयुग है भाई कलयुग। देखिए बिल्ली कैसे पड़ा हुआ है यहाँ पे, बिल्लियों का राज है भाई। वर्सोवा में बिल्लियाँ इतनी है ना, इतने इंसान नहीं है, हर कोई बिल्ली पाल के रखा है। ये देखिए दूसरा बिल्ली, जैसे लोग दरवाजे पे कुत्ता रखते हैं ना, यहाँ लोग दरवाजे पे बिल्ली रखते हैं। चलता हूँ, बाय, मिलते हैं फिर। अरे गाड़ी क्यों बंद कर दिया मैंने। हाँ बाय ब्रो। तो अभी पहुंचा हूं मैं यहां पे और नीचे ही बैठ के खा ले रहा हूं, भूख बहुत तेज लग रही है और 10 बजने वाला है, आधा घंटा और है, 10:30 में उनकी फ्लाइट लैंड करेगी। तो यहां से बस खाना खा के जाऊंगा घर पे, कार उठाऊंगा और सीधे एयरपोर्ट भागूंगा। ये चिकन शोरमा थोड़ा प्याज दे दीजिए ना। ये है लच्छा पराठा, साउथ इंडिया जब हम लोग कॉलेज में थे तब खाता था ये। और ये है शोरमा, चिकन शोरमा। और मैं अभी घर पहुंचा हूं, जस्ट खाना वगैरह तो हो गया, पानी पीऊंगा और फटाफट तुरंत निकलूंगा घर से। तो गाइस 10:30 हो गया और अब मैं निकल रहा हूं। अभी जस्ट सुमित भाई का फोन आया कि वो अभी लैंड कर चुके हैं, उनको एयरपोर्ट से बाहर आते आते तक मैं पहुंच जाऊंगा। सुमित भाई आए हैं टर्मिनल 2 पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। लास्ट टाइम मैं इधर आया था मामा जी के साथ जब 250 रुपए मैंने पार्किंग पे किया था, इस बार देख करके साइड से निकालूंगा, वहाँ पे एक स्टॉप है वहीं पे मैंने उनको बोला है कि आप आओ और वहाँ पे मिल करके साइड से निकल जाएंगे, फिर पार्किंग में नहीं घुसाऊंगा भाई, फिर 250 रुपए नहीं दूंगा मैं ना, बिल्कुल नहीं। भीड़ देख रहे हो आगे जहाँ तक आपको रेड रेड दिख रही है ना, ये सब कार पार्किंग, ये सामने वाली जो गेट है यही कार पार्किंग के लिए अंदर चली जाती है और मुझे लगता है यहाँ से राइट ले लूंगा। लास्ट टाइम मैं इस वाले गेट से अंदर चला गया था उधर साइड में, अभी यहाँ से देखो यू टर्न लेना है और इधर जाने का है। वेलकम बैक ब्रदर, वेलकम बैक फाइनली। एक तो इतने मुश्किल से मिले और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो भाई साहब लंका लगाता है ये। बैठो भाई, देखो ये जो काम चल रहा है ना एयरपोर्ट के पास, इतना घूमना पड़ता है, इतना इधर इधर 10 मिनट से मैं हम लोग दोनों फोन पे हैं, किधर हो किधर हो किधर हो, मैं इधर भी चला गया था फिर घूम के आया। ये देखो आप एयरपोर्ट से कितने बजे आए थे भाई? एयरपोर्ट से समझ 11 बजे मिले, 11 बजे। और अभी 11:15 बजे
ग्यारह, हाँ मतलब 11 के लगभग में, और अभी 3 बज रहे हैं रात के 3 बजे। अरे गाड़ी लॉक नहीं किया, लॉक हो गया। रात को मुंबई और मुंबई की सड़कें इतनी खूबसूरत लगती हैं, लगता है महबूबा हो गई है। सच में वो पुराने मूवीज़ में ऐसे डायलॉग है ना, मुंबई महबूबा है मेरी, तो रात के टाइम पे ये चीज़ एकदम लागू होता है। अभी 3 बज रहे हैं, कुत्ते बोल रहे हैं इस वक्त। हाँ तो अभी हम लोग पहुँचे हैं